भाषा बेहतरीन मौका जाया कर दिया पाकिस्तान दिलों की जानिब से और एक गोल की बत्री हासिल है इस वक्त। इस मैच का पहला गोल हो चुका है। आज का ये पहला इफ्तिताही मैच स्पोर्ट्स ग्राउंड पीरमहल में खेला जा रहा है और सरजमीन पीरमहल में आज का ये इफ्तिताही मैच पहला फ्लडलाइट मैच जिसको शायकीन हजरात बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं और बेहतरीन तादाद आज के इस मैच को देखने आई है। आपका ये जोशो खरोश बता रहा है कि आप खेलों से कितना मोहब्बत करते हैं। सरजमीन पीरमहल पर अभी तक पाकिस्तान ब्लू को एक गोल की बढ़ोतरी हासिल है। आज के इस मैच में पाकिस्तान के मायानाज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिनमें सर फहरिस्त हैं रिजवान सीनियर साहेब, दिलबर हसन साहेब, ओलंपियन शफकत रसूल साहेब और उमर बिलाल साहेब, अजहर मजर इंटरनेशनल गोलकीपर और उनके साथ
जिशान अशरफ, उमर मुगल, मोहम्मद आसफ, मोहम्मद अदनान पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी आज के इस मैच में हिस्सा ले रहे हैं। आज का ये पहला इफ्तिताही मैच दोनों टीमों के दरमियान जारी है। सारी अभी तक एक गोल हो चुका है पाकिस्तान ब्लू की जाने से। आज को सुपरवाइज कर रहे हैं अच्छी अटैकिंग पोजीशन, मगर गोल करने में भी नाकाम है। फिर दोबारा से अटैक करने में आए और रेफरी की विसल बज गई। सबका विभागीय वजीर मुमलकत जनाब मियां असदुर रहमान साहेब, जो के एसटीएस की जीनत बन चुके हैं, और उनके साथ तशरीफ फरमा है डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह, जनाब अदनान अरशाद चीमा साहेब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है असिस्टेंट कमिश्नर पी महल नदीम बलोच साहेब। आज का ये पहला इफ्तिताही मैच जारी उतारी तो तालियों बजाना और इनकी ताइज करना हमारा फर्ज है। जी गोल हो गया जी, एक एक बराबर हो गया दोनों। पहला हाफ जारी, छोटी नजर आप किसी किस्म के झगड़े से परहेज करें, मेहरबानी होगी। स्टेज से जरा दूर हटकर खड़े हो। और पहला हाफ मुकम्मल हो चुका, पहला हाफ मुकम्मल हो गया। ये 12 मिनट 25 सेकंड अपना यूट्यूब चैनल पिंड दिया अज जैसे अजीम टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल नजारा जी। वालों को शुक्रिया अदा किया है डिप्टी कमिश्नर अफसर का, जनाब स्टेट कमिश्नर अफसर महल, बहुत ही आपका ये खेल जारी। टाइम बहुत ही कम है, अब दोनों टीमें अटैकिंग पोजीशन पर आ चुकी है और जल्द से जल्द टाइम खत्म होने में अपनी टीम को फाते बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गोल करना चाहती है। करते हैं मैच के आखिरी लम्हात जोश और खरोश बढ़ता हुआ, टीमें अपनी पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा गोल करने की कोशिश कर रही है। ऑरेंज पाकिस्तान, ऑरेंज तीसरा गोल हो गया जी, पाकिस्तान ऑरेंज की तरफों तीसरा गोल हो गया, बहुत अच्छा गोल जी। और इस तरह दूसरा हाफ मुकम्मल, पाकिस्तान ऑरेंज गोल के साथ सर पहले और आज की बात है कि और अजीम साहब ने इस अवसर के लिए तकरीबन 24 साल सर किया। 1999 में रेलवे में यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीर महल से मेरा एक ऐसे जज्बाती रिलेशनशिप भी है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ 2013 में, तो पीर महल से वाबस्तगी बहुत पुरानी है और आज खुशी भी बहुत है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और हॉकी के रिवाइवल के लिए हमने इतना अच्छा इवेंट सजाया यहाँ पे। मैं असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल को भी खसूसन मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मैंने उनको सिर्फ 48 आवर्स दिए थे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर को और एस सी साहब को कि इस इवेंट को आपने फ्राइडे तक इनेकाद कर दिया और बड़ा सक्सेसफुल इनेकाद किया। और आप जानते हैं कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इसका टीमी सरगर्मियों के ऊपर भी उतना ही फोकस किए हुए हैं
और अक्सुरहमान साहब की कामशों से और एसी साहब की मेहनत से मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक हम पीर महल में रीजनल पब्लिक स्कूल का संग बुनियाद रखें। इसके अलावा ईद के बाद यहाँ पे इसी ग्राउंड में पूरे तोबा की हर तहसील की टीम होगी और यहाँ पे हम एक लीग करवाएंगे और जो तहसील जीतेगी इंशाल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट की चैंपियन करा पाएगी। और शेख से इस प्रोजेक्ट को लेके आने में और आज माशाल्लाह यहाँ का रिस्पांस, लोगों का रिस्पांस दोनों टीमें बड़ा अच्छा खेली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी स्पोर्ट्स को पर्टिकुलरली हाकी इंशाल्लाह इसी तरह ऐसे नामवर प्लेयर अरीब रजा जैसे और रिजवान सीनियर जैसे पैदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इवेंट हमारे लिए सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि हमारी लाइट्स जो थी उनके अलाइनमेंट का इशू था, तो हमने कोई तकरीबन डी एस करी अजरमान साहब और एसी साहब ने उन्होंने इस शॉर्ट टाइम में इतना मेला सजाया और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरह के मेले हर वीक या हर एक माह में ये लगने चाहिए। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जिन्होंने हमारे जो हॉकी इस इलाके की स्पोर्ट के लिए सबसे आगे वो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान है अल्लाह ताला का कि हम जो एफर्ट हमने की 20 साल की वो आज रंग ले आई। इसमें एफर्ट सबसे ज़्यादा मियां साहब की है, डीसी कमालुद्दीन साहब की है, हाजिर सर्विस जो डीसी साहब हैं और एसी साहब हैं इनकी कावशों से ये इतनी जल्दी हम आम क्षेत्र ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि जैसे हम निकलें जो हमने वो मुश्किल की ली है प्लेयर बनने में वो हमारे आने वाली जो नस्ल है हमारे जो जितने भी यंग प्लेयर हैं उनको ये ना झेलनी पड़े, उनको घर में वो आशोटा मुहैया हो। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ऐसे ही हम आपकी खिदमत करते रहें ताकि पाकिस्तान अपना खराब मुकाम वापस करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे जितने प्लेयर हैं उनको हिम्मत दे, जो अपकमिंग है हम उनको सपोर्ट करेंगे हर फोरम पर करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन।